जिला बुलंदशहर में एक जंगीराबाद कस्बा पड़ता है। जंगीराबाद में जयप्रकाश नाम का एक आदमी रहता था। एक दिन जयप्रकाश का किसी के साथ झगड़ा हो जाता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि पुलिस तक बात पहुंच जाती है। पुलिस तक बात पहुंचने के कारण जयप्रकाश का जिससे झगड़ा हुआ वो खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लेता है। कुछ दिनों बाद जयप्रकाश अपनी लड़की की शादी करता है। शादी बड़ी ही धूमधाम से होती है। शादी के बाद जयप्रकाश दिल्ली चला जाता है और वहाँ सिलाई का काम शुरू करता है और वहीं रहने लगता है। लेकिन गांव में जिस इंसान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की थी वो जयप्रकाश की बीवी रूपवती को अपने वश में कर लेता है। वश में होने के बाद रूपवती कोई काम नहीं करती, ना खाना बनाती, ना घर की साफ सफाई करती। जो भी उससे कुछ कहता उससे उल्टा बोलती और अजीब अजीब हरकतें करने लगती। कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा और उसके बाद रूपवती और ज़्यादा अजीब हरकतें करने लगी। कभी चीखती चिल्लाती, कभी उसका शरीर अकड़ जाता, कभी अपने बाल नोचती, कभी एक कोने में जाके घंटों तक बैठी रहती। ये देखकर सभी घर वाले परेशान होने लगे और जयप्रकाश को फ़ोन करके जल्दी गांव आने के लिए कहा। जयप्रकाश अपना सारा काम छोड़कर गांव चले आते हैं। गांव जाकर जयप्रकाश अपनी बीवी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बीवी कोई जवाब नहीं देती, बस कोने में घुटनों के बीच अपना सर झुकाए बैठी रहती है। गुस्से में आकर जयप्रकाश चिल्लाता है और उसे खींचने की कोशिश करता है। तभी रूपवती उसे धक्का देती है और खड़ी हो जाती है। ये देखकर सभी डर जाते हैं कि रूपवती में इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि उसने जयप्रकाश को एक हाथ से इतनी दूर धक्का दे दिया। तभी रूपवती गुर्राती है और जयप्रकाश से चिल्लाकर बोलती है, तूने पहचाना नहीं मुझे, मैं वही हूँ जिसने तेरी वजह से खुद को गोली मारकर आत्महत्या की थी। तूने क्या सोचा, पुलिस वालों को पैसे देकर तू बच जाएगा? मैं वापस आ गया और अपना बदला लिए बिना नहीं जाऊंगा। ये देखकर वहां खड़े सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं और जयप्रकाश वही डर से कांपने लगता है। कुछ लोगों के कहने पर जयप्रकाश रूपवती को एक तांत्रिक के पास ले जाने लगता है। तब रूपवती कहती है, ले चल मुझे जहां लेके जाना चाहता है, मैं ना तुझे चैन से जीने दूंगा ना तेरी बीवी को छोड़ूंगा। तांत्रिक के पास पहुंचकर जयप्रकाश अपनी बीवी को ठीक करने के लिए कहता है। तांत्रिक उसे ठीक करने की कोशिश करता है लेकिन ठीक नहीं कर पाता। ऐसे ही जयप्रकाश 3-4 और तांत्रिक के पास लेके जाता है। कोई ताबीज देता है, कोई भभूत देता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। रूपवती ताबीज को तोड़कर फेंक देती और भभूत को फूंक मारकर उड़ा देती। कोई भी तांत्रिक उसे ठीक नहीं कर पा रहा था। एक दिन जयप्रकाश की बड़ी बहन का फोन आता है। तब जयप्रकाश उसे सारी बात बता देता है। उसकी बहन भी परेशान हो जाती है और कहती है, भाई इसका कुछ तो करो, किसी तांत्रिक को दिखाओ। तो जयप्रकाश कहता है, बहन मैंने सबको दिखा लिया लेकिन कोई भी रूपवती को ठीक नहीं कर पा रहा। फिर एक दिन जयप्रकाश अपनी बेटी को लेने उसके ससुराल जाता है। तब वहाँ भी यही बात बता देता है कि ऐसे ऐसे रूपवती पर आत्मा का साया है और कोई भी तांत्रिक उसे ठीक नहीं कर पा रहा है। वहीं पास में उसकी बेटी की सास भी होती है। वो ये सब सुनकर बोलती है, आप चिंता ना करो, मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ, वो ज़रूर रूपवती को ठीक कर देंगे। आप चिंता मत कीजिए, आप कल रूपवती को ले आना, मैं आपको इस तांत्रिक का पता बता देती हूँ और आपको वही मिलूंगी। ये सुनकर जयप्रकाश अपने घर वापस आ जाता है और रूपवती से कहता है कि कल तैयार रहना, कल तुमको घुमाने के लिए लेके जाऊंगा। उसकी ये बात सुनकर रूपवती जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, मुझे घुमाने लेके जाएगा तू, मुझे घुमाने लेके जाएगा, मुझे सब पता है, तू अपनी बेटी के ससुराल से आ रहा है और उसी की सास ने तुझे मुझे तांत्रिक के पास ले जाने को कहा है, मुझे पागल समझता है तू, चल चलता हूँ मैं तेरे साथ,
उस तांत्रिक को भी देख लूंगा कि कितना शक्तिशाली है, और ये कहकर जोर जोर से हंसने लगता है। अगले दिन जयप्रकाश रूपवती को लेकर उस तांत्रिक के पास जाता है। वो तांत्रिक एक औरत थी और वही जयप्रकाश की बेटी की सास भी थी। रूपवती को तांत्रिक के सामने बैठा दिया जाता है। वो तांत्रिक पूछती है कि क्या नाम है तेरा और क्यों इसके ऊपर आया है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। तब तांत्रिक हाथ में भभूत लेके उसकी ओर फेंकती है तो रूपवती जोर जोर से चीखने लगती है और अपने हाथ और सर जोर जोर से जमीन पर पटकने लगती है। ये देखकर कुछ लोग रूपवती को पकड़ने आते हैं, लेकिन वो सबको दूर फेंक देती है। ये देखकर तांत्रिक कहती है, इसे करने दो जो ये करना चाहती है। कुछ देर तक रूपवती ऐसे ही करती रही। फिर तांत्रिक ने लौंग का जोड़ा लिया और उसके ऊपर उतार कर हवन कुंड में डाल दिया, जिससे वो शांत हो गई। फिर तांत्रिक ने पूछा, अब बता कौन है तू और इससे क्या चाहता है। तब वो आत्मा सब कुछ उस तांत्रिक को बता देती है कि इसकी वजह से मैंने आत्महत्या की और मैं इससे बदला लेने आया हूँ। मैं इसे चैन से नहीं जीने दूंगा। तांत्रिक ने बोला, मेरे रहते हुए तू इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और जाना तो तुझे पड़ेगा ही। ये कहकर तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और आत्मा को बांधना शुरू किया और उसे वचन लेने पर मजबूर किया कि वो इसे छोड़कर चला जाए। लेकिन उस आत्मा ने नहीं मानी। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसने वचन नहीं लिया। ये देखकर तांत्रिक को गुस्सा आया और उसने हाथ में एक डंडी ली और मंत्र पढ़ती गई और उसे डंडी से मारती गई। कुछ देर बाद वो आत्मा जोर जोर से चीखने लगी और बोलने लगी, मुझे छोड़ दो, मैं चला जाऊंगा, मुझे छोड़ दो, मैं वचन लेता हूँ, मैं फिर कभी रूपवती के पास नहीं आऊँगा, बस मुझे छोड़ दो। ये सुनकर ही तांत्रिक ने कहा कि इसके शरीर से बाहर निकल और हमेशा हमेशा के लिए अपनी दुनिया में चला जा, और कभी लौट कर आया तो मैं तुझे भस्म कर दूंगी। ये सुनते ही वो आत्मा रूपवती के शरीर को छोड़कर उड़ जाती है और फिर कभी वापस नहीं आती। ऐसे ही और रोमांचक भूतिया घटनाओं तथा कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साइड में बने बेल आइकन को दबाएं। आपके लाइक और कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। खुदा हाफिज़।